तो हेलो गाइस, एक बार फिर से हमारे चैनल आर कमिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको लेके आए हैं फॉय सागर लेक के अंदर, और हम आपको यहाँ के जो दृश्य है वो दिखाएंगे, और साथ ये भी बताएंगे आपको कि इसका निर्माण किसने करवाया, कब करवाया था। तो चलिए गाइस, चलते हैं अब इसके अंदर। तो गाइस, आप जो ये देख रहे हैं, ये फॉय सागर लेक के जो पास का इलाका है वो अब हम आपको दिखा रहे हैं। ये पहाड़ियों के बीच के अंदर या पास के अंदर भी कह सकते हैं, ये जो है फॉय सागर लेक बसी हुई है। ये अजमेर से मात्र 12-13 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, और अजमेर में दो ही ऐसी लेक हैं, एक तो पहली है आना सागर लेक और दूसरी है फॉय सागर लेक, जो कि कृत्रिम झीलें हैं, और इनका निर्माण भी हुआ है। और आप देखिए जो है दो बड़े बड़े बरगद के पेड़ हैं। यह अपन चलने से ऐसा सुहाना मौसम लगता है एकदम, और आप कहीं धूप में भी कभी आते हैं यहाँ पे तो भी आपको यहाँ ठंडक महसूस होती है। मतलब कहने का था मतलब है कि बहुत ही शानदार नज़ारे हैं, बहुत ही सुहावना मौसम है यहाँ पे। यहाँ आप एक पिकनिक पॉइंट भी कह सकते हैं, यहाँ आके आप पिकनिक मना सकते हैं, एंजॉय के रूप में आ सकते हैं, और भी कई जो है तब बढ़िया है। अभी कुछ दिनों बाद के अंदर शायद यहाँ पे भी एक चौपाटी का निर्माण होगा, और फिर यहाँ भी जो जनसंख्या है वो थोड़ी आने की, पर्यटक जो है आने की वो है संख्या बढ़ जाएगी। तो चलिए गाइस, चलते हैं अपन अंत। ये दो बहुत ही बड़े बड़े बरगद के पेड़ हैं, और इधर पास ही आप देख रहे हैं एक डस्टबिन भी है। ये जो कचरा है पार्क में इधर उधर ना फेंके, कचरा पूरा डस्टबिन में ही डालें। चेतावनी भी, और हम आपको चेतावनी बताएंगे, चेतावनी में भी जो लिखा हुआ है इसका पूरा ध्यान रखें। यहाँ कई लोग पिकनिक मनाने आते हैं, आप देख रहे होंगे कुछ लोग यहाँ पिकनिक मनाने आए हुए हैं। तो तो अपना नाम आपका? आपका? अच्छा, हर्षिता, अभिषेक और दिलकुश बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे हैं। चलो अभी अंदर की तरफ चलते हैं अपन। ये गाइस, पेश है आपके सामने फॉय सागर लेक, जिसका हम कब से इंतज़ार कर रहे थे। बहुत ही शानदार पानी पानी दिख रहा होगा आपको। ये जो पानी है गाइस, इसके अंदर जो बारिश का पानी ही है, और ये पहाड़ों के बीच में एकदम शुद्ध पानी है। इसमें कई लोग नहाते भी हैं, और पहले तो इसका जो है पीने का भी काम में लिया जाता था पानी, लेकिन फ़िलहाल इसको नहाने धोने के काम में आता ही है, और वैसे पर्यटक स्थल भी बन चुका है। तो आप यहाँ आए कभी और इस नज़ारे का आनंद लें। तो गाइस, ये थोड़ी सी यहाँ बगीची भी है, आप देख पा रहे हो कितने सुनहरे सुनहरे पुष्प हैं, जो अपनी उपस्थिति को दर्शाते हैं, बहुत ही शानदार।
ये नीचे की तरफ जो आप ये पूरा ये गार्डन है यहाँ का फॉय सागर लेक का, बहुत ही अच्छा गार्डन है। यहाँ जो जनसंख्या वो काफ़ी कम आने की वजह से यहाँ आपको साफ सफाई भी दिखेगी। गाइज आप देख पा रहे हैं कितनी शानदार जो लेक है, ऐसी लेक जो मैंने आपको बताया कि अजमेर में दो ही है, और ये जो पानी है इसमें लगभग शुद्ध पानी है। आना सागर में फिर भी नालियों का नालों का पानी आता है, लेकिन इसमें जो पानी आता है वो पहाड़ों से आता है और एकदम शुद्ध पानी है। अभी बारिश की वजह से शायद ये फुल भरी हुई है। मेरे काफी फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं अजमेर में, तो उन्होंने बताया मेरे को इसके लिए, तो इसलिए मैं घूमने आया हूँ। इसका निर्माण कब करवाया था, किसने करवाया था? सर जितनी देखिए मेरे को नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग 1892 में इसका जो है निर्माण हुआ था। इंग्लिश इंजीनियर थे फॉय, तो उनके नाम पे इसका नाम पड़ा हुआ है। और इसका जो मेन मकसद था कि अजमेर में जो बाढ़ अकाल पड़ता है, यानी कि बाढ़ के टाइम ज़्यादा पानी आता है, तो वो स्टोर करने के अकॉर्डिंग इसको बनवाया गया था। अच्छा, ये जानकारी के लिए सर आपका बहुत
आपको धन्यवाद। लेक सागर लेक जो पार्क के अंदर एक छोटा सा मंदिर है भगवान शिव का, बहुत ही प्यारा मंदिर है। अगर आप फॉर सागर लेक के अंदर आते हैं तो मेरी आपसे विनती है कि एक बार भगवान शिव के, आप गणेश के और पार्वती जी के तीनों के दर्शन करें, ये आपकी हर मनोकामना पूरी करें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ध्यान रखें बेल आइकन दबा और बेल आइकन जरूर दबा लेना।